हाय, वेलकम टू आरती क्रिएशन। आ जाइए, बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं आज हम, तो आ जाइए जल्दी जल्दी। हेलो एक्सेल जी, कैसी हैं आप? सो नाइस टू सी यू हियर। स्वाति, हेलो पूनम जी, हेलो पायल जी। क्रिसमस वेकेशन लग गया आज से तो, है ना? हेलो वर्षा जी, थैंक यू सो मच डियर। हेलो नंदा जी, हाँ प्राची, बहुत टाइम हो गया, बट ट्रस्ट मी, आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज दिखाऊंगी ना, तो आपको लगेगा ठीक है, चलो इतना वेट तो बन सकता था। हेलो गीता जी, ओके सो मीनवाइल और लोग ज्वाइन कर ले, आप लोग भी एक बार वीडियो को शेयर कर दो, बहुत टाइम बाद ये आए हैं हम, मिल रहे हैं तो। थैंक यू पूनम जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। हाय शिवा, ओके सो क्या करेंगे, पहले हम अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे या आप कुछ देखना चाहोगे? ये तो मैंने वीडियो डाला था फेसबुक पे और इंस्टा पे भी डाला था, सो दिस इज वन ऑफ द पीस विच आई लव द मोस्ट, मुझे बहुत पसंद आया ये पीस काम करने में। हेलो सोनम जी, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? एक्चुअली यहाँ बाजू में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। थैंक यू नंदिनी जी, हां जी पायल जी, बहुत टाइम हो गया था तो बस याद आ रही थी आप लोगों की ऐसे, तो सोचा चलो मिल आए। हेलो सुधा जी, हेलो कोमल जी, कैसी हैं आप? जल्दी से बताइए, पहले कुछ देखेंगे अच्छा सा या कुछ सीधा हम पहले ट्यूटोरियल करेंगे उसके बाद देखेंगे? जल्दी जल्दी बताइए, जो आप बोलेंगे हम वही करेंगे। ग्रीन और पिंक में, ये कुछ नहीं है, ऑर्डर वर्क चल रहा है, अभी कुछ हुआ नहीं है उसमें। हेलो चंचल दी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ कोमल जी, बहुत अच्छी हूँ, और आप सब लोग आ गए तो और ज्यादा अच्छी हो जाती हूँ। हेलो सुधा जी, हेलो तृप्ति मैम, मत बोलिए कोमल जी। हेलो मीना जी, कैसी हैं आप? सो शुरू करें पहले थोड़ा सा, फिर बीच में देखते हैं। अच्छा दिखा दीजिए, जल्दी जल्दी बोलिए। हां जी सरिता जी, आप कैसी हैं? सो नाइस टू हैव यू हियर। ओके सो आज पायल जी, आज हम कुछ अच्छा सा करने वाले हैं। इट इज जस्ट अ DIY, लेकिन मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, मुझे नई नई चीज ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है, एंड दिस इज वन ऑफ माई ट्रायल ओनली, ठीक है? बट आई एम श्योर कि इसका जो आउटपुट है ना वो बहुत अच्छा आएगा, कुछ डिफरेंट, हमेशा वही पेंटिंग से थोड़ा डिफरेंट आएगा। सो हम आज वो बनाने वाले हैं, दो ही सेशंस होंगे इसके सिर्फ। स्वाति जी, मैं यहां रहती हूँ वाड़ी में, अमरावती रोड पे, है ना? तो मैंने, एज यू कैन सी, मैंने कल शेयर भी किया था, थोड़ा काम मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो ये काम किया कैसे है वो मैं आपको बताऊंगी और उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे। बिल्कुल सरिता जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो फॉर रफ, मैं इसको कैनवस बोर्ड पे बना रही हूँ, आप चाहो तो कैनवस बोर्ड पे बनाओ या फिर आप नॉर्मल MDF पे भी बना सकते हो। मैंने MDF के कोस्टर्स एक्चुअली मेरे पास नहीं है, आई जस्ट, इट वॉज मेड इन सो मच हरी
कि मेरे पास ना उसका फोटो लेने का भी टाइम नहीं रहा तो वो चला गया। मैंने डायरेक्टली एमडीएफ पे भी बनाया था एंड इट केम आउट ब्यूटीफुली एंड दिस टाइम आई जस्ट वांटेड टू ट्राई इट ऑन अ कैनवस, तो मैं अब वो उसको कैनवस पे बना रही हूँ। थैंक यू सो मच रोहिणी जी, थैंक यू अनिता जी, हेलो विपाशा जी। सो मैंने यहाँ पे ये छोटा सा कैनवस क्लोथ जो है फिलहाल के लिए स्टिक कर रखा है इसको पेपर टेप की हेल्प से। नाउ ब्लैक कैनवस पे काम करना सच में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल वाइल चूजिंग कलर्स एंड सो मेनी थिंग्स, वो धीरे धीरे हम देखेंगे इसमें। लेकिन आज हम पहले कैनवस ब्लैक कैसे करेंगे वो करते हैं। थैंक यू सो मच रोहिणी जी, लॉट्स ऑफ लव टू हर फ्रॉम मी। हेलो बबीता जी। सो सी, जब भी किसी कैनवस को आपने ब्लैक करना हो तो आप जेसो यूज कर सकते हैं। जेसो का एक लेयर लगा दीजिए, ब्लैक जेसो है ये, ब्लैक जेसो की आप लेयर लगा सकते हैं या फिर आप सिंपली एक्रिलिक कलर के दो कोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स योर चॉइस। जेसो मैं तो, मेरे पास तो रेडीमेड है, ये ब्रूस्टो का है एंड इट्स वेरी नाइस। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप घर में बना सकती हैं या फिर ब्लैक एक्रिलिक कलर के कोट्स लगा सकती हैं, है ना। सो मैं फिलहाल जेसो यूज कर रही हूं, सिंपल है हमारा, कुछ नहीं करना है। मैं इस पे रफ करके दिखा रही हूं आपको। सो आपने ब्रश में जेसो लिया एंड सिंपली इसको ऐसे अप्लाई कर देना है। सिंगल कोट विल वर्क फॉर अस, तो ज्यादा वरी की दिक्कत नहीं है उसमें। और बहुत आसानी से ये लग जाता है। चंदा जी आप बनी रहिए तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या बना रहे हैं, है ना। सिंपल है, मैं बिल्कुल फटाफट लगा रही हूं ताकि ये ड्राई हो जाएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ब्लैक कैनवस पे ड्रॉ कैसे करें, है ना। किस किस को पता है ब्लैक कैनवस पे ड्रॉ या कैसे करें, क्योंकि कार्बन तो कम ही काम करेगा, करता है लेकिन थोड़ा दिक्कत जाती है आंखों को देखने में। हेलो तन्वी, हेलो रेणु जी। तब तक आप लोग अपने हाल बताइए जब तक मैं कैनवस ब्लैक कर रही हूं। चुपचाप मत रहिए यार। हाँ, ये लिपन अगर किसी को सीखना है ना तो इसकी क्लासेस अवेलेबल है, इफ एनीबडी वांट्स टू लर्न। ये बहुत प्यारा पीस है एंड ट्रस्ट में इसमें इतना काम है एंड मिरर्स भी इतने लगे हैं उसमें। बट एज आई ऑलवेज से, हाँ व्हाइट पेंसिल कलर से कर सकते हैं। येलो कार्बन से भी हो जाता है, मेरे हिसाब से हो ही जाना चाहिए, मैंने ट्राई नहीं किया है बट हो ही जाएगा। यू कैन यूज व्हाइट कार्बन ऑल्सो, आजकल मार्केट में व्हाइट कार्बन भी मिलता है तो आप वो भी एक बार ट्राई करके देख सकती हैं अगर आपने ट्रेस करना है तो। लेकिन मैं जो आज बता रही हूं तो मैं नॉर्मल बता रही हूं कि आप खुद ही बना लो, ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। हम जो पेंटिंग बना रहे हैं ना उसमें डिजाइनिंग अच्छे से बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। हां जी पिंकी जी भी पूछ रही है, आप लोग बताइए सबको आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर, वीडियो क्लियर है। हेलो सोनल जी, ब्लैक कैनवस पर व्हाइट पेंसिल, सही बात है रेणु जी एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग। जिन्होंने नहीं शेयर किया है एक बार शेयर कर दो। ये हो गया हमारा ब्लैक कैनवस, ये ड्राई होता है। मीन वाइल एज आई यस्टरडे पोस्टेड ओनली कि यू कैन सी इट एम्बोज है ये पार्ट, तो हम इसको एम्बोज करेंगे। सी कितना प्यारा शाइन है उस एम्बोजिंग में, है ना। तो ये एम्बोजिंग का मटेरियल जो है पहले हम वो बना लेते हैं, तब तक हमारी कैनवस ड्राई हो जाएगी। तो
मटेरियल लिस्ट मैंने कल लिखा था, हमारा मेन जो कोनिंग मटेरियल रहेगा वो ये रहेगा फैब्रिक ग्लू। आप फैब्रिक ग्लू नहीं है तो आप फेविकॉल एसएच ले सकती है। और थैंक यू फॉर रिप्लाइंग। ओके हेलो मीनू जी। ओके सो वेयर वाज आई, फेविकॉल एमआर नहीं चलेगा इसके लिए। रीजन बताती हूँ, फेविकॉल एमआर का जो कंसिस्टेंसी है वो फ्लोई कंसिस्टेंसी है, तो यू वोंट बी एबल टू फिल इट इन अ कोन एंड डू कोनिंग स्मूथली, वो फ्लो होगा आपके बोर्ड पे। दूसरा, आप लाइनर नहीं यूज कर सकती, मतलब कर सकती है इन केस यू वांट टू, बट लाइनर का और इसका जो इफेक्ट है, लाइनर का और हम ये जो फैब्रिक ग्लू यूज करेंगे इसका जो इफेक्ट है उसमें आप डिफरेंस चेक कीजिएगा, आप रफ में करके देखिएगा थोड़ा सा, और दोनों का जो टेक्सचर है ना वो अलग आता है। लाइनर का जो टेक्सचर है वो इतना शाइनी नहीं आएगा और इतना ये ट्रांसपेरेंट जैसा जो लुक आता है ना ये नहीं आता, तो इसीलिए मैंने फैब्रिक ग्लू को चूज किया है। यू कैन यूज एनी वाइट ग्लू जो सूखने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाती है। एमआर और एचआर का तो पता नहीं गीता जी, एमआर लेकिन नॉर्मल उसका कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ा कम होता है, मतलब पतला होता है, वो फ्लोई होता है, और एसएच जो है वो थोड़ा थिक होता है, तो यू कैन यूज एसएच और यू कैन यूज फैब्रिक ग्लू। ये बहुत परफेक्ट है, इसका बहुत अच्छा कंसिस्टेंसी है फॉर कोनिंग पर्पस, यू डोंट नीड टू एड एनी थिंग इन इट, है ना। तो सिर्फ हम लेंगे फैब्रिक ग्लू, रवीना जी स्पून देना, ये देखो मैं सिर्फ ले रही हूँ फैब्रिक ग्लू, और छोटा सा इसलिए क्योंकि मुझे अब थोड़ा सा ही कोन बनाना है। लेकिन उसका शाइन तो फिर चला जाएगा ना सोनल जी, उसके ऊपर जब हम कलर करेंगे तो, और ग्लू स्टिक से भी इतना फाइन कोनिंग नहीं आएगा। ये इसमें से निकलने लगा, ये ढक्कन निकालना सामने। थैंक यू पारल जी फॉर शेयरिंग। तो मुझे जो लगा कि मेरे को आउटलाइनर नहीं यूज करना है, मैंने उसको एक सरफेस पे यूज करके देखा, लेकिन उसके टेक्सचर में और इसके टेक्सचर में काफी डिफरेंस है, तो मुझे ये वाला ज्यादा अच्छा लगा, एंड दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग फेविकॉल फैब्रिक ग्लू। यू कैन सी इसका कंसिस्टेंसी देखो, ऑलरेडी थिक है, तो इसमें आपको, आप जब एक्रिलिक कलर भी डालोगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लगना दी इसकी कैप कहां रखी, सीखे लिया हमने फैब्रिक ग्लू। पारुल जी हम कुछ एक अच्छा सा ट्रस्ट में जब हम इसका कलरिंग करेंगे ना, यू विल बहुत एकदम काम एंड कूलिंग वर्क लगेगा आपको। ये लिया फैब्रिक ग्लू और इसमें मैं डाल रही हूं थोड़ा सा ब्लैक कलर, ये लिया मैंने ब्लैक कलर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आप ब्लैक कलर और कम भी ले सकती है तो ज्यादा ट्रांसपेरेंट इफेक्ट आएगा, एंड ट्रस्ट मी दैट ट्रांसपेरेंट इफेक्ट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। किसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते रोहिणी जी, पहली बात तो ना मैं नॉर्मली कभी भी बॉटल से डायरेक्टली कोई चीज यूज नहीं करती हूं, अगर मुझे काम फाइन करना हो तो, क्योंकि फाइन काम बॉटल से होता ही नहीं है अच्छा, वो कभी कहीं ज्यादा निकलेगा, कोनिंग प्रॉपर नहीं होती है। ठीक है, ये कंसिस्टेंसी है इसका। हेलो शीतल जी, मेहंदी होता है ना मेहंदी जैसा, इसका खुद ही मेहंदी जैसा कंसिस्टेंसी है, तो डोंट नीड टू वरी अबाउट कि कुछ ऐड करे या कुछ निकाले। रवीना ने ये होल्ड करना, ये पूरा आएगा ना अच्छे से, और फिर इसको, ये कोन मैंने बना के रखी हुई है, इस कोन में हम डायरेक्टली
इसको ऐसे फील कर देंगे। और कोन बनाना मैंने बहुत बार बताया आपको, बहुत सारे वीडियोस में मिल जाएगा। पिंक ग्रीन कुछ नहीं है, मैं दिखाती हूँ, कुछ है नहीं अभी, बनने वाला है उस पे। बिल्कुल शीतल जी, रेजिन का तो पता नहीं, लेकिन हाँ मैंने रिलीफ का, रिलीफ प्लस रेजिन का, रिलीफ मतलब बेसिक रिलीफ रियल जैसे होता है वो, प्लस रेजिन का एक क्लास सोच के रखा हुआ है। डिजाइन भी बन के रेडी है, लेट्स सी कब वो हो पाता है। मैं डिजाइन भी शो करूंगी अगर आज वो दिख जाएगा तो, है ना। ये कोन बना के रख दिया, लेट मी चेक ये सूखा है क्या, ये नहीं सूखा है अभी, तो तब तक मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ, है ना। इसको सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा। हेलो सुभा जी, कैसी हैं आप? मैं हटो बेटा, अंदर चले जाओ थोड़ी देर। ओके, तो वो देखिए, वो कुछ नहीं है फिलहाल के लिए, सिर्फ कृष्णा बनने वाले हैं एंड पीछे काऊ रहेगी उसके, जो शायद आपको नहीं दिख रही होगी अभी। वर्क इन प्रोग्रेस है, कल ही शुरू किया है। जय श्री कृष्णा आंटी। ये देखिए, ये एक लिपन है, इसकी क्लास अवेलेबल है अगर किसी को ये लिपन आर्ट सीखना है तो। सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज, एंड बहुत डिटेल में है ये क्लास। सी, यू कैन सी देयर ईच एंड एवरी नीट एंड क्लीन लाइंस एंड द कार्विंग। देखिए कैसा लगता है वो बताते जाइए मुझे, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको अच्छा भी लग रहा है या नहीं। हेलो मीना जी, ये देखिए, है ना। और ये एक छोटा सा पीस है ऐसा ही, ये एक्चुअली 7 पीस का सेट बनने वाला है, तो दिस इज, इट इज वन ऑफ देम। ये हमारे कृष्णा जी, इसका फ्री सेशन है। एंड एक मैंने बताया था आपको कि स्वाति जी, इसी सेम वीडियो के साथ ना मेरा नंबर पिन है, तो इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग और बाइंग एनीथिंग, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, वहां हम डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू जयश्री जी, थैंक यू तृप्ति। मुझे वो लाइक्स एंड हार्ट दिखते ना तो लगता है चलो अच्छा काम किया है कुछ तो। थैंक यू पारुल जी, थैंक यू सविता जी, थैंक यू नंदा जी। और अब मैं आपको बता रही हूँ, एक बहुत बड़ा लिपन का पीस है, दिस इज माई बिगेस्ट आर्ट वर्क टिल डेट, है ना। होप टू मेक मेनी मोर सच आर्ट वर्क्स। तो 4 feet by 12 feet लिपन बता रही हूँ मैं अब आपको, थोड़ा थोड़ा काम होने का है बट ऑलमोस्ट 90% वर्क हो चुका है मिररिंग छोड़ के, तो वो मैं आपको शो कर रही हूँ। जल्दी से मुझे बताना कि आपको कैसा लग रहा है। इट्स 4 feet by 12 feet एंड आई एम मेकिंग इट फॉर ए यूएस बेस्ड क्लाइंट। तो ये देखिए, इसको हम 4 टुकड़ों में बना रहे हैं। ईच पीस इज ऑफ 4 feet by 3 feet, ईच पीस इज ऑफ 4 feet by 3 feet एंड 4 such pieces आर देयर। ऐसे 4 पीस है इसके। ये देखो, ये पहला वाला है, हियर यू कैन सी द कोलम पैच, द मधुबनी फिश, पिकॉक्स, एंड देयर इन द कॉर्नर देयर इज चौगड़िया। एंड ये 1st piece हुआ इसका। देन कमिंग हियर
एंड इट्स द सेकेंड पीस. ऑल ऑफ द पीसेस आर ऑफ 4x3 feet, है ना. ये सेकेंड पीस है, इसमें वो देखो वो डिजाइन कंटिन्यू हुई है यहां पर, और यहां नीचे कुछ अलग है. फिर यहां सेंटर में हमने बनाया है ट्री ऑफ लाइफ, एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक एलिफेंट्स देयर बट द क्लाइंट वॉन्ट्स काउज देयर, तो ये काउज एंड नाउ आई एम लविंग द काउज. तो ये है, आगे चलते हैं. ये ऐसा ही और आगे जाएगा एंड दिस साइड. जिन्होंने शेयर नहीं किया ना, एक बार वीडियो शेयर कर दो यार. ये देखो, इधर से लास्ट से, दिस इज 4x12 feet. कैसा लगा? थैंक यू. हां जी, लिप्पन वर्क है पूरा. एंड बताइए जल्दी से कैसा लगा आपको मेरा ये. दिस इज माय बिगेस्ट पीस टिल डेट, अभी तक का सबसे बड़ा पीस है. टाइम तो बहुत लगेगा. अभी मिररिंग में और 8-10 दिन जाएंगे कम से कम, तो टाइम तो मत पूछिए. ट्रस्ट मी, डिजाइन सोचने में सबसे ज्यादा टाइम जाता है, फिर बनाने में तो खैर जाता ही है, बट सोचने में सबसे ज्यादा. थैंक यू एवरीवन. तो ये था, ये वाला तो मैंने दिखाया. ये देखो, आप पूछ रहे थे ना कि क्यों नहीं आ पाते हो, तो बस यही सब चल रहा है. जस्ट अ सेकेंड, ये देखो, ये कृष्णा जी है पीछे, ऐसे काउव है इसके, तो ये भी ऑर्डर का वर्क है. देन उसके पीछे और कैनवासेस रेडी हो रहे हैं, सारे ऑर्डर वर्क्स है, तो इसमें भी थोड़ा टाइम जाता है. थैंक यू प्राची. ये देखो, इसका भी जो लोग नए हैं उनके लिए इसका भी फ्री ट्यूटोरियल हमारे पेज पे है, और इसका भी फ्री ट्यूटोरियल आपको मेरे पेज पे मिल जाएगा. नहीं नहीं रेणु जी, कोनिंग कुछ नहीं है, सारा क्लेवर्क है. कोनिंग वाला कुछ नहीं है, मैं कोनिंग वाला लिप्पन नहीं करती हूं जनरली, आई डोंट प्रीफर. रोहिणी जी, मेरा व्हाट्सएप नंबर वैसे तो इस वीडियो के साथ लिंक है, बट मैं एक बारी दोबारा बता देती हूँ. इट्स 9561667989. थैंक यू अपर्णा जी, मीन्स अ लॉट. थैंक यू सो मच. इसी बात पे सब लोग एक बार जाके शेयर कर दो वीडियो को. थैंक यू पारुल जी. ये जो आपके लाइक्स एंड हार्ट्स है ना, ये और मोटिवेशन देते हैं अच्छा अच्छा काम करने के लिए. प्रियंका जी, इसको तो हम नहीं सिखा रहे क्योंकि इतना बड़ा पीस सिखाना पॉसिबल ही नहीं है. हाँ, चाहे तो ये वाला जो है ये सीख सकती है, इसका ट्यूटोरियल अवेलेबल है विथ डिटेल स्टेप्स. टाइम, वो पैशन जहां रहता है ना, वहां टाइम अपने आप मैनेज हो जाता है. थैंक यू रेणु जी. बिल्कुल पिंकी जी, वंस इट इज डन कम्प्लीटली तो मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करूंगी, पेज पे बिल्कुल पोस्ट करूंगी फोटोज, है ना. ओके, लेट मी चेक. नहीं सूखा है, बट स्टिल हम थोड़ा काम करते हैं आगे. अब मैं कैसे दिखाऊं? सी, आई तो यूज, रविंद्र जी एक ब्लैंक पेपर है ना मुझे, मैंने शीतल जी, इट इज द सेम दैट टेक्निक जिसका मैंने अपने पेज पे वीडियो काफी पहले ऑलमोस्ट लास्ट ईयर पोस्ट करके रखा है. मैं एक बड़ा सा, मेरे पास राउंडर भी है, ट्रस्ट मी, मेरे पास बड़ा राउंडर भी है, बट मेरे को वो अनकंफर्टेबल लगता है. तो मैंने इसके पहले एक लिप्पन बनाया था, बड़ा सा ऑर्डर वर्क था, वो भी वो चला गया.
इट्स वॉज 4 फीट बाय 5 फीट, तो उसमें यूज किया था। बट ये इसके जो सर्कल्स है ना, मैंने अपना एक दिखाना, वो है क्या अपना यहाँ पे, वो लंबी सी पट्टी, वो कार्डबोर्ड जिससे अपन राउंड बनाते हैं, अरे गोल कैसे बनाते हैं अपन वो। हेमलता जी, इसी वीडियो के साथ मेरा फेसबुक का भी लिंक, आर्टिक्रेशन पॉइंट ग्रुप का लिंक, इंस्टा हैंडल और एवरीथिंग इज लिंक्ड है इसी वीडियो के साथ। प्रतीक्षा जी बिल्कुल, हम अभी वही बनाएंगे। ये देखो मैं ये यूज करती हूँ, दिख रहे हैं इसमें आपको निशान लगे हुए, ये गड्ढे हैं पूरे, यहीं से पेंसिल को अंदर डाल के इसी से मैं इसी को एज अ अपना क्या बोलू, यही मेरा राउंडर है, मैं इसी से सर्कल्स बनाती हूँ। आई जस्ट लव दिस, बहुत अच्छे बनते हैं इससे। एंड देखो मैनेज भी नहीं करना पड़ता, कैसे भी रख दो ऐसे ही उठा के हो जाता है, ठीक है। तो मैं वही यूज करती हूँ। ओके, हम ये जो बना रहे हैं ना, इसमें फिलहाल आपको देखो बॉक्सेस बॉक्सेस दिख रहे हैं कुछ, ठीक है। तो ये बॉक्सेस वाला इफेक्ट लाना हम पहले ये सीखेंगे, कि ऐसा नहीं कि अगर मैं ये डिजाइन बना रही हूं तो आप भी ये डिजाइन बनाओगे। हां जी पिंकी जी, आप पेपर स्केल बोल लो इसको, तो जरूरी नहीं है कि आप यही डिजाइन बनाओगे। एक्चुअली आई वॉन्टेड टू मेक समथिंग रिलेटेड टू क्रिसमस, लेकिन मेरा टाइम उतना मैनेज नहीं हो रहा था, तो आई थॉट कि चलो मैं टेक्निक बता देती हूँ, बाकी आप लोग कर लोगे। पारुल जी, बिगनर के लिए भी हमारे पास क्लासेस है, मैं अच्छा वो पीस एक्चुअली सोल्ड आउट है जिसकी क्लासेस अवेलेबल है, तो बिगनर्स वो क्लास करें। दिस क्लास इज नॉट फॉर बिगनर्स एक्चुअली, इसमें बहुत वर्क है और बहुत प्रिसीजन के साथ है। इम्पॉर्टेंट थिंग है, देखो यहाँ पूरे रेक्टेंगल मिरर एकदम एग्जैक्ट फंसे हुए हैं, तो ये बिगनर के लिए नहीं है ये क्लास, लेकिन इसके अलावा एक और है हमारे पास क्लास बिगनर के लिए लिप पर। हेलो गायत्री जी, तो मैं आपको ये डिजाइन बनाने का टेक्निक बताऊंगी फिलहाल, कि आप किसी भी डिजाइन को कैसे इस पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि इस पर्टिकुलर फॉर्म में अगर कन्वर्ट नहीं करेंगे ना तो वो होगा ही नहीं, मतलब बनेगा ही नहीं ये पेंटिंग। अगर आप एज इट इज कोई पिक्चर उठाते हो पिंटरेस्ट से और सीधा डाउनलोड कर लेते हो तो उससे ये पैटर्न नहीं बनेगा। हाँ, मेजरमेंट स्केल टाइप फॉर सर्कल, बिल्कुल रेणु जी, जस्ट अ सेकंड, मैं कैमरा नीचे करती हूँ सो दैट यू कैन सी कि एग्जैक्टली करना क्या है आपको। ठीक है, ये पेपर दिख रहा है आपको क्लियर? मान लो इसमें मुझे बनानी है लीव, जो कि हमने इस डिजाइन में भी यूज करी है। आप क्या करोगे, ये ऐसा लीफ है मेरा, मान लो, इज इट विजिबल? मैं हूं नागपुर महाराष्ट्र से, समबड़ी प्लीज रिप्लाई, दिख रहा है आपको क्लियर? दिख रहा है, बिल्कुल ज्योति जी, मैं चेक करूंगी और रिप्लाई करती हूँ फिर। जूम करूँ या ठीक है, जल्दी से बताइए मुझे, तो मैं आगे काम शुरू करती हूँ फिर। ओके, आई कैन सी, यस देयर। सो अब मान लो ये लीफ हो गया मेरा, अब मैंने इसको बन गया। इसके बाद आपने सिर्फ क्या करना है, ये लाइन छोड़ देनी है, इस लाइन के थोड़ी दूरी से कुछ भी जो आपके मन में आता है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ऐसे बनाया। थोड़ा जूम करूं, जस्ट सेकंड, ठीक है,
वही बता रही हूँ सुचेता जी, मैं वही बता रही हूँ अभी आपको कि मैंने बोर्ड पे कैसे डिजाइन ट्रेस करती हूँ मैं। ठीक है, ये एक शेप बन गया। उसके बाद देखो यहाँ पे आपका जो डिजायर्ड शेप है ना, पहले आप वो बना लो। अब देखो मेरा जैसे मन कर रहा है ना, मैं ऐसे ही कुछ भी ड्रॉ कर रही हूं। बस आपको ये ध्यान रखना है, इरेजर देना, ये तो इरेजर देना बेबी, सिंपली कि ये जो हम बना रहे हैं अंदर वाले लाइंस और ये जो हमारा बाहर का आउटलाइन है, इनके बीच में हर ब्लॉक का ये जो डिस्टेंस हो ये इक्विवेलेंट हो, ये बस चेंज ना करें हम, बाकी सब ठीक है। ये देखो ऐसे, जस्ट गो ऑन मेकिंग शेप्स, शेप्स सब कुछ है ना। थैंक यू पारुल जी। ये देखो मैं इस लाइन को, ये जो सेंटर पार्ट हमने बनाया है, मैं डार्क कर देती हूँ थोड़ा इसको। इसको भी छू नहीं रही हूं, बिल्कुल पिंकी जी, ब्रिक्स टाइप में बनाओ, कोई भी जो भी आपका मन करे, आप सर्कल सर्कल का भी बना सकती है, बट अभी मैं फिलहाल कैसी भी आड़ी टेढ़ी कैसी भी, जैसा आपका मन करे। बस आपका ये जो बेसिक शेप है ना, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या बनाना है। आप पहले वो खुद शेप बनाएंगी, एक कार्बन और एक पेपर भी रेडी हो, इसमें किसी को कोई डाउट है? आप फ्लावर बनाना चाहती है, फ्लावर पहले बना लो पूरा, फिर उसके जो शेप्स है ना उसके अंदर काम करेंगे। इफ एनीबडी हैव एनी डाउट तो आप पूछ सकते हो। मैं कुछ सोच समझ के कुछ नहीं बना रही हूँ, बस बनाते जा रही हूँ। लॉक एंड की जैसे फिट होते हैं ना एक दूसरे में, बस इन्होंने वैसे हो जाना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं मैं समझी नहीं, ये देखो। अब जब आप इस डिजाइन को सी, क्या ये एक बुकमार्क जैसा है, वॉल डेकोर जैसा है, ये
हां जी पिंकी जी, वो रिलीफ की आर्ट होगी, पर्शियन आर्ट होगा और क्लॉक होगी 19 इंच राउंड MDF। इतना सब मुझे पता है क्योंकि मेरे दिमाग में है कि मैं क्या करवाने वाली हूँ, बट ओनली थिंग इज कि वो हम कब शुरू करेंगे इसके लिए मैं अभी श्योर नहीं हूँ, लेकिन इसकी अगली क्लास जो भी होगी पॉसिबली वो हम उस रिलीफ से ही करेंगे। मैं आपको इसको ना एक इस पे ट्रेस करके दिखाती हूँ। नहीं नहीं ज्योति जी, इट्स परफेक्टली योर चॉइस कि आप किस कलर में बनाना चाहती हैं। मुझे ब्लैक कलर में अच्छा लगा इसलिए मैं ब्लैक कलर में बना रही हूँ। अब ना मैं सिर्फ बीच की लाइंस नहीं बनाऊंगी और मैं आपको इसका फिर आउटपुट दिखाती हूँ, तो यू विल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कि मैं क्या चाह रही थी। लेकिन आपको इसको ना सिंगल कलर में करना है, आप रेड चाहे तो रेड कर लो, लेकिन फिर आपको लाइन यानी कोनिंग के लिए जो आप मटेरियल बना रही है उसको भी रेड बनाइएगा। कैनवस तो आप किसी भी कलर का कर सकते हो, बट इट विल लुक गुड इन ब्लैक, आई मीन इन डार्कर शेड्स। आप क्रिम्सन भी ले सकती हैं, क्रिम्सन में भी ये बहुत अच्छा दिखेगा। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, अभी हमारा डिजाइन रेडी हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि इफेक्ट क्या होगा करके इसका। और इसके बाहर भी ऐसे ही ब्लॉक्स बनेंगे, वो भी इस लाइन से दूर। आप चाहें गायत्री जी, ये तो गरवारे पेपर है, मैं हमेशा अपनी किट के साथ अगर ट्रेसिंग देती हूं तो इसी की देती हूं। इट इज नॉन टियरेबल एंड ट्रांसपेरेंट। अगर आप मेरे पहले के वीडियोस देखेंगे तो मैं अपने बोर्ड के हिसाब से डिजाइन भी इसी पेपर की हेल्प से बनाती हूँ मोस्टली, तो मुझे आदत पड़ गई है इसकी। अभी आपको ये सेंटर की लाइन अलग से पार्टीशन दिखाई दे रहा होगा। आई हैवन्ट ड्रॉन अ वन शेप, जस्ट अ सेकेंड। देखो ये सेंटर की लाइन दिखाई दे रही है अलग से। हम जो बॉक्सेस हमने बनाए हैं उसमें हम कलर फिल करेंगे एंड रेस्ट ऑफ द जो चीजें है यानी ये जो जगह है इसको हम ब्लैंक रहने देंगे, तो ये इनके बीच की भी ये जो जगह है ये सारी ब्लैंक रहेंगी। कोई बात नहीं सुनीता जी, होता है कभी कभी, इट्स परफेक्टली फाइन, बट थैंक यू फॉर शेयरिंग। ठीक है, दिस वे यू हैव टू मेक डिजाइन। आप कोई भी डिजाइन बना लो, आपने सर्कल बनाना है, बच्चों को बनाने के लिए देना है डिफरेंट डिफरेंट शेप, आप बस सर्कल बना लो फिर इसमें ऐसे ऐसे कर दो, कुछ भी, यू कैन टेक एनी शेप, एनी शेप यू कैन टेक एंड डू द सेम वे। इट विल बी फन फॉर देम टू फिल दिस बॉक्सेस विथ कलर्स। आप व्हाइट में भी करके देख सकती हैं, मैंने सिर्फ ब्लैक चूज किया है, यू कैन क्योंकि व्हाइट पे शायद कलर्स और भी ज्यादा अच्छे से आएंगे। देखो ऐसे जस्ट टेक एनी शेप और एनी थिंग, तो आप ऐसे सैंटा का ड्राइंग लेके सैंटा के फेस में ऐसा कर सकते हैं यानी उसकी बॉडी में एंड एवरी जगह पे, तो बहुत अच्छा लगेगा ये। ठीक है, ये हो गया डिजाइन बनाने का तरीका। इसमें किसी को दिक्कत है? ये मैंने बताया आपको डिजाइन बनाना, इसमें किसी को दिक्कत है?
सुनीता जी बस अभी बता ही रही हूँ, वही चल रहा है क्या बना रहे हैं हम, है ना। मुझे कमेंट्स आ नहीं रहे या आप रिप्लाई कर नहीं रहे। डिजाइन बनाना समझ में आया सबको, इट्स वेरी सिंपल एंड एट द सेम टाइम इंटरेस्टिंग टू, कि आपको एक ऐसी पेंटिंग बनानी है जिसमें आपने दिमाग ही नहीं लगाना। नहीं समझ में आया गायत्री जी, नीलम जी इट्स क्या बोलूं, राधिका राठी टाइप्स आर्ट है। सुचिता जी मैंने एक्चुअली देखो बोर्ड पे मैंने खुद एक्चुअली आपको कैमरे में शो नहीं हो रहा है या आई डोंट नो दिख भी रहा है या नहीं, बट मैंने खुद इसको पेंसिल से ड्रॉ किया है, वो भी ये वाला पेंसिल से। बट यू कैन यूज येलो कार्बन, आप येलो कार्बन यूज कर सकती है, येलो कार्बन से ट्रेस हो जाएगा, मैंने ट्राइड एंड टेस्टेड है। सो जस्ट डोंट वरी, मैं आपको आई डोंट नो कैमरे में नहीं दिख रहा है बट दिख रही है ये लाइन, कैन यू सी दिस लाइन। हाय सुधर जी, ये देखो आपको व्हाइट पेंसिल की या किसी और चीज की वैसे कुछ खास जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल पेंसिल, मैंने इस नॉर्मल पेंसिल से काम किया है बिकॉज आई वॉज नॉट हैविंग व्हाइट पेंसिल। और ये देखो आप इसमें कुछ भी बना लो आपको दिखाई देता है, ठीक है, यू कैन सी इट प्रॉपरली। हां जी पिंकी जी, ये ऐसे बनाया है, ठीक है। सो यू सिंपली हैव टू यूज दिस पेंसिल ऑन योर ब्लैक कैनवस अगर आप खुद से डिजाइन बना रहे हैं तो, और अगर आप खुद से डिजाइन नहीं बना रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं, तो यूज येलो कार्बन, इट विल वर्क, ठीक है। सो ये हो गया हमारा। हेलो रीमा जी, मैंने आपकी आर्ट एग्जीबिशन की फोटोज देखी, बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छा भी काम कर रहे हो आप, बहुत ही प्यारा। विनीता जी हम जो आर्ट कर रहे हैं ना उसका कोई नाम नहीं है, बोला ना, इट्स जस्ट अ DIY विच आई लव एंड आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू, दैट्स इट, एंड ट्रस्ट मी मजा आएगा। ब्लैक कलर का कुछ नहीं किया है, सिर्फ ब्लैक कलर की कैनवस बनाई है जैसो की एक लेयर लगा के। नाउ ये कोन जो हमने स्टार्टिंग में बनाई थी वीडियो जब हम शुरू कर रहे थे तब, जिनको नहीं पता एक बार जाके वीडियो दोबारा देख लेना, तब भी लाइक शेयर जरूर कर देना। तो ये जो है इसको हम कट करेंगे। नाउ रिमेम्बर बहुत मोटा नहीं कट करना है, क्योंकि ऑल दो इट्स स्टीक लेकिन आपके प्रेशर के साथ साथ ना वो फैलेगा भी, तो बहुत ज्यादा कट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कट करेंगे। अप्रोक्स 3 mm कट किया है मैंने। किस चीज का रेणु जी? और यहां पे नॉर्मल आपको डिजाइन आपका बन गया तो डिजाइन के ऊपर आपने इस मटेरियल से नॉर्मली ऐसे कोनिंग करनी है, एंड सी द कोनिंग इज वेरी स्मूथ, जस्ट अ सेकेंड। ये देखो इससे कोनिंग बहुत स्मूथ होती है, आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, आप आराम से अगर ऊपर से कोन पकड़ते हो तो ऊपर से पकड़ सकते हो, नीचे से पकड़ के करते हो तो वैसे भी काम कर सकते हो, इस मटेरियल में आपकी कोई दिक्कत नहीं आती। ये देखो मैं नीचे से पकड़ के कर रही हूं, लेकिन एक ही जैसा करना। थैंक यू सोनिया जी फॉर सेंडिंग स्टार्स, थैंक यू सो मच मोना जी, मैं भी आप लोगों को मिस कर रही थी इसीलिए आ गई। हाँ नीना जी इट्स अ नाइस क्वेश्चन, मैं अभी क्लियर कर देती हूँ वो चीज। सी टू बी वेरी ऑनेस्ट,
मैं क्या करती हूँ हमेशा हमेशा, जैसे ये जो डिजाइन है ना जो मैंने इस पे बनाया है, आई नेवर एवर मेक फर्स्ट डिजाइन एंड देन चूज द साइज ऑफ बोर्ड. जब तक मेरा काम कमीशन नहीं है, कोई मुझे उस चीज के लिए पैसे नहीं दे रहा है, तब तक मैं अपने पास जो अवेलेबल बोर्ड्स है पहले उनको लेती हूँ और उस बोर्ड के साइज के हिसाब से अपना डिजाइन क्रिएट करती हूँ. ठीक है, तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला भी, व्हाट आई नॉर्मली डू इज, ये पेपर है मेरे पास, मैं इसको यूज करती हूँ, इसको सिंपली अपने बोर्ड के ऊपर स्टिक कर लेती हूँ. जो भी साइज का बोर्ड हो मेरे पास, मैं उस बोर्ड पे स्टिक कर लेती हूँ, उसके बाद इसके ऊपर डिजाइन बनाती हूँ. ठीक है, और फिर तो वही प्रोसेस है, फिर प्रेसिंग है, फिर जो भी है सेम. लेकिन ओनली रीजन, इसीलिए डायरेक्टली बोर्ड पे डिजाइन नहीं बनाते पेंसिल से भी. ओनली रीजन यही है, आप चाहे व्हाइट कैनवस ले लो चाहे ब्लैक कैनवस, लेकिन अगर पेंसिल के मार्क्स आ गए हैं और वो आपको इरेज करना है तो इट रियली बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. आई डोंट नो मार्केट में ऐसे कुछ इरेजर्स अवेलेबल शायद होंगे ही डेफिनेटली, बट मुझे नहीं पता. मैंने इसका ना सिर्फ थोड़ा थोड़ा पोर्शन पेंसिल से बनाया है और थोड़ा सा और बनाऊंगी. एज यू कैन सी नहीं दिख रहा है, सेंटर में भी अभी थोड़ा काम होना बाकी है, अदरवाइज मैं डिजाइन आपके साथ शेयर कर देती हूँ. तो मैंने सोचा कि फिर कोनिंग करने के बाद शेयर करूंगी, तो वो एक चीज मुझे और अभी पेंसिल से बनानी है, मैं बनाने के बाद शेयर करूंगी. लेकिन आप इरेज नहीं कर सकते, आप पहले अपना डिजाइन बनाइए रफ पेपर पे और उसको ट्रांसफर कीजिए यूजिंग येलो कार्बन. ठीक है, इफ यू आर नॉट श्योर कि आपका अच्छा ही बनने वाला है तो, और अगर आपको लगता है कि नहीं, ये मैंने इसलिए डायरेक्टली भी ट्राई किया बिकॉज आई वॉज लाइक चलो ब्लॉक से तो बनाने हैं तो बन जाएंगे शायद. यू कैन यूज बटर पेपर, आप यूज कर सकते हैं, ये बटर पेपर नहीं है बट आप बिल्कुल यूज कर सकते हो. गरवारे, इट्स गरवारे पेपर रोल आता है ये. ठीक है, तो ये हुआ हमारा इतना काम. हेलो गजल जी, आप मुझे व्हाट्सएप पे पिन कीजिएगा या फिर इसी वीडियो के साथ मेरा नंबर पिंड है तो मैं आपके साथ ग्रुप लिंक शेयर कर दूंगी, है ना. नाउ मैं इस कोन से इस बोर्ड पे नीचे थोड़ा सा, देखो मेरा सेंटर पार्ट अभी खाली है, यहां मुझे पेंसिल से डिजाइन बनानी है सो दैट मैं अपना काम कर सकूं. तो ये बस नॉर्मल यही तरीका है और कोनिंग बहुत आराम से कीजिएगा. और ऐसे आपको कुछ समझ नहीं भी आया ना तो ये सारा आपको तब समझ आएगा जब इसमें होगा थोड़ा कलरिंग, जो कि हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. हां जी निराली जी, दैट आई डोंट नो, बस मुझे इतना पता है कि इट्स गरवारे पेपर ओनली. ठीक है, सो मैं फट से एक बार ही रिपीट कर देती हूँ क्योंकि आई कैन सी देर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस. हमने सिंपली कैनवस लिया था, कैनवस क्लोथ है, मैंने इस पर स्टिक करके रखा है. कैनवस क्लोथ पे हमने ब्लैक जेसो का लेयर किया है एक, उसके बाद इस पे डिजाइन ट्रेस किया एंड इसके बाद हम कर रहे हैं कोनिंग. कोनिंग मटेरियल जो है वो है हमारा फैब्रिक ग्लू प्लस ब्लैक कलर, अगर आप ब्लैक कलर के कैनवस पे बना रहे हैं तो, और अगर आप किसी और कलर के कैनवस पे बनाना चाहते हैं तो वो कलर. मान लो आपने इसको रेड किया है, अगर आपके पास जेसो नहीं है, क्योंकि रेड कलर की जेसो तो नहीं होती है,
तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, रेड एक्रिलिक कलर के दो कोट्स दे दो, आपका कैनवस रेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अगर ये इतना काम अच्छा लगा है तो मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए या लाइक्स और हार्ट्स देके बताइए कि हाँ इतना काम अच्छा लगा। कल नहीं, संडे को हम फिर से मिलेंगे, संडे को हम इसमें कलरिंग करेंगे। और मीनवाइल अगर आज होता है तो आज या फिर कल होता है तो कल, वंस माई कोनिंग इज डन ना, तो मैं ये पिक आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो जिनको प्रिंट आउट निकालनी है वो लोग निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट निकालने से आपका भी काम थोड़ा आसान हो जाएगा, अदरवाइज यू कैन सिंपली ड्रॉ, इट्स जस्ट अ सनफ्लावर एंड दो चार पेटल्स। तो यहाँ सेंटर में सनफ्लावर है और नीचे में नहीं दिखता है या दिखता है, देखो आप समझ आ रहा है नहीं आ रहा है आपको, ये जो है ना ये पत्ती है, ये पत्ती का शेप है। देन दिस साइड ऑल्सो ये लीफ है, ये लीफ है, दिख रहा है ये वाला लीफ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये ऐसा काम है इसमें। हां जी निराली जी, ओनली ग्लू एंड कलर, नथिंग एल्स। इसलिए मैंने बोला था कि बहुत ही कम सामान में बनने वाला मटेरियल है ये। और कल आपको लगेंगे, कल मतलब संडे को, सिर्फ एक्रिलिक कलर्स और एक ब्रश, दैट्स इट। हाँ पिंकी जी, मेरे बोर्ड का साइज है आई गेस, ये प्लाई बोर्ड है ना, 1/1। ठीक है, एंड कोन में फेविकॉल मत डालिएगा, एमआर स्पेशली यू हैव टू यूज अ ग्लू और अ फेविकॉल, ऐसा फेविकॉल जो ड्राई होने के बाद ट्रांसपेरेंट होता है, प्लस जिसका कंसिस्टेंसी थोड़ा थिक है, क्योंकि थीन कंसिस्टेंसी वाले से आप कोनिंग नहीं कर पाओगे। और अगर उसकी कंसिस्टेंसी को कंट्रोल करने के लिए इफ यू आर एडिंग टैलकम पाउडर और एनीथिंग एल्स, तो उसका जो ये जो इफेक्ट है ये इफेक्ट चला जाएगा, ट्रांसपेरेंसी जो है वो चली जाएगी। तो यू कांट यूज फेविकॉल एमआर। अरे कोई बात नहीं अमृता जी, वीडियो मेरे पेज पे सेव रहेगा तो आप इसको बाद में भी देख सकती हैं, है ना। सो दिस इज इट, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। संडे मिलेंगे, टाइम में पेज पे अपडेट करूंगी, कोनिंग होने के बाद पिक भी अपने पेज पे पोस्ट कर दूंगी। तब तक के लिए हैप्पी क्राफ्टिंग, मेरी क्रिसमस एंड हाँ जी रुचि जी, हमारे पास कैनवस क्लॉथ है, क्योंकि मैं ये सारे कैनवस, अब इतने बड़े बड़े बोर्ड्स तो नहीं लेते, तो हम अपने बोर्ड्स खुद ही बनाते हैं। रीनू जी, मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ, मैं एक बार ही दोबारा दिखा देती हूँ। एक्चुअली उसमें कुछ काम हुआ नहीं है, इट इज जस्ट एन ऑर्डर वर्क। तो उसमें हमने कल से ही काम शुरू भर किया है थोड़ा सा, मैंने आज उसमें देखो कोनिंग कर रखा है। रवीना दी हटाना, इसको भी हटा दो, ये देखो कुछ नहीं है, यू कैन सी देयर गाय एंड काना जी। हाँ बहुत अलग काम होगा इसमें, जैसे अभी काना जी दिख रहे हैं वैसे नहीं होंगे। ये देखो पीछे भी ट्रेस हो रखे हैं, बैकग्राउंड बनना बाकी है, उनका बैकग्राउंड ड्रॉ होगा, उसके बाद फिर हम बाकी काम करेंगे। बिल्कुल रीमा जी, आप फेविकॉल एसएच यूज कर सकती है, ये देखिए। तो पिंक एंड ग्रीन इज जस्ट लाइक ना, मुझे कुछ कलरफुल बनाने का मन कर रहा था एंड बेस कोट ही था, तो सोचा चलो कुछ तो भी अच्छा सा कर दूं, ताकि पूरा जब पेंटिंग में बनाऊं तो जैसे आप लोग बार बार पूछ रहे हैं ना, तो अच्छा लग रहा है वो आंखों को देखने में। तो मुझे भी लगा कि ऐसा कुछ बनाऊं, तो इतने दिन काम करना है उसके साथ, 20 दिन है मेरे पास, तो वो मुझे अच्छा लगे देखने में बार बार, दैट्स इट। इसका कोई फीस नहीं है साक्षी जी, क्योंकि वो कमीशन वर्क है। अगर आप चाहे तो ये वाले कृष्णा ज्वाइन कर सकती हैं, जस्ट अ सेकंड, ये वाले कृष्णा का ट्यूटोरियल अवेलेबल है हमारे पास, अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो। इसमें क्ले वर्क है एंड ऑयल पेंटिंग है, ये देखिए, ये ऐसे है, तो ये वाले आप ज्वाइन कर सकते हो, बाकी तो सब। थैंक यू निराली जी, सो इट्स टाइम टू से बाय बाय, फिर मिलेंगे संडे को, बाय।